हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट वन जूलॉजी पेपर टू यूनिट टू चैप्टर टू के अंतर्गत एम्फीबिया में नियोटेनी का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर वीडियो सेशन में मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, किरोड़ीमल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़, आप सभी का स्वागत करता हूँ। एम्फीबिया में नियोटेनी का अध्ययन करने के लिए हमने विषय वस्तु को इन बिंदुओं पर केंद्रित किया है। फर्स्ट, हिस्ट्री। सेकंड, डेफिनेशन ऑफ नियोटेनी। थर्ड, नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस। फोर्थ, एग्जांपल्स ऑफ नियोटेनी। फिफ्थ, कॉमन नियोटेनिक एम्फीबियंस। सिक्स, टाइप्स ऑफ नियोटेनी। सेवन, फैक्टर्स फॉर नियोटेनी। एट्थ, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ नियोटेनस एम्फीबियंस। एंड लास्ट, नाइन्थ, एक्सप्लेनेशन ऑफ नियोटेनी। आइए सबसे पहले हम नियोटेनी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं। नियोटेनी प्रकृति की एक नवीनतम घटना है और यह घटना जंतुओं के सामान्य प्रजनन की विधि से विभिन्नता प्रदर्शित करती है। हमें मालूम है कि कोई भी एनिमल, खास तौर पर यदि हम एम्फीबिया का अध्ययन कर रहे हैं, तो जो एडल्ट एम्फीबियंस होते हैं, ये एडल्ट एम्फीबियंस सामान्य तौर पर जमीन पर निवास करते हैं और इनकी लार्वा अवस्था ये पानी पर पाई जाती है, जल में निवास करती है। एडल्ट पानी पर अपने एग्स रिलीज करते हैं, अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद इन अंडों में डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के उपरांत लार्वा का निर्माण होता है और इस लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया के उपरांत एडल्ट का निर्माण होता है। तो यह जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एडल्ट में कन्वर्ट होता है। ये प्रकृति का एक सामान्य सा नियम होता है, लेकिन किन्हीं कारणों पर यदि लार्वा मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से वंचित रह जाए या लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया असफल हो जाए और वह लार्वा एडल्ट में परिवर्तित न हो करके लार्वा स्वयं प्रजनन अंगों का विकास कर लेता है और यह लार्वा सेक्सुअली मैच्योर होकर जल में रहते हुए प्रजनन आरंभ कर देता है, तो यह प्रक्रिया नियोटेनी कहलाती है। इस प्रक्रिया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस तरह से है। एम्बायस्टोमा मैक्सिकेनम, यह मैक्सिको अर्थात उत्तरी अमेरिका के पठारों पर जो वाटर बॉडीज हैं, झील, पॉन्ड इत्यादि हैं, वहां निवास करता है। इस एम्बायस्टोमा मैक्सिकेनम के डेवलपमेंट में एक्वेटिक लार्वल स्टेज विकसित होती है और यह लार्वा लार्वा काल की समाप्ति के बाद मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से गुजरते हुए रूपांतरित होकर वयस्क अवस्था को प्राप्त कर स्थल पर चला जाता है और स्थली जीवन जीने लगता है। जल स्रोतों के समीप स्थल पर निवास करते हुए ये वयस्क प्रजनन भी आरंभ कर देते हैं, किंतु इसी क्षेत्र में
जो एम्बायस्टोमा मैक्सिकेनम है उनमें कुछ विशेष परिस्थितियों में, ध्यान रखेंगे, कुछ विशेष परिस्थितियों में लार्वा मेटामॉर्फोसिस नहीं करता, अर्थात लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो पाती है और लार्वा लक्षणों को ही धारण करते हुए जलीय आवास में रहते हुए आकार में वयस्क की तरह बड़ा हो जाता है और लैंगिक रूप से परिपक्व होकर वह जल में ही प्रजनन प्रारंभ कर देता है। कुछ समय तक इस घटना को, इस लार्वा को एक नए अलग जीनस या जंतु सेरेडॉन के रूप में अध्ययन किया जाता था और उसे सेरेडॉन के अंतर्गत रखा गया था, किंतु 1865 में कुछ वैज्ञानिकों ने एम्बायस्टोमा मैक्सिकेनम के कुछ लार्वा को वहां से पेरिस ले गए और वहां ले जाकर उन लार्वा को सामान्य जलाशयों में, वाटर बॉडीज में रखा गया। उन वाटर बॉडीज में ये रखे गए लार्वा कुछ दिनों के बाद शीघ्र ही मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से गुजरते हुए वयस्क एम्बायस्टोमा मैक्सिकेनम में बदल गए। तब यह ज्ञात हो सका कि यह जो सेरेडॉन है या यह जो मैच्योर लार्वा है वास्तविक रूप से एम्बायस्टोमा का ही एक लार्वा है और वयस्क लार्वा एम्बायस्टोमा और एम्बायस्टोमा का जो मैच्योर लार्वा है वह एम्बायस्टोमा के जीवन काल की दो अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है और इस घटना को नियोटेनी के रूप में, उसके उदाहरण के रूप में समझा जाने लगा। यह घटना इस तरह से है, जो एडल्ट एम्बायस्टोमा है ये जलाशयों में प्रजनन करके अंडे देते हैं और अंडों से परिवर्धन के उपरांत जलाशयों में ही लार्वा विकसित होकर अंडों से बाहर निकलते हैं और ये लार्वा अनुकूल परिस्थितियों में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से गुजरते हुए वयस्क में बदल जाते हैं और ये स्थलीय जीवन के लिए जमीन पर चले जाते हैं। लेकिन लार्वा किन्हीं कारणों से या विशेष परिस्थितियों में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया इनमें नहीं हो पाती है, मेटामॉर्फोसिस असफल या स्थगित हो जाता है और वह लार्वा जल में रहते हुए अपने गोनेट्स और प्रजनन अंगों को विकसित कर लेता है और वह वयस्क के लक्षणों को प्राप्त कर लेता है, साथ ही साथ वह प्रजनन भी आरंभ कर देता है। तो लार्वा जब वयस्क की तरह व्यवहार करता है क्योंकि उसमें वयस्क के सारे लक्षण विकसित हो जाते हैं और इसलिए इस नई घटना को नियोटेनी कहा जाता है। प्रकृति में इस प्रक्रिया को हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये एडल्ट एम्बायस्टोमा है और एम्बायस्टोमा का यह लार्वा है और लार्वा मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से गुजरते हुए वयस्क में बदल जाता है। यह प्रकृति का एक सामान्य नियम होता है, किंतु लार्वा मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से वंचित रह जाता है, मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया असफल हो जाती है और यह लार्वा लार्वा आकार में ही रहते हुए अपने आकार में वृद्धि कर लेता है, साथ ही साथ उसमें गोनेट्स और प्रजनन अंगों का विकास हो जाता है। इस तरह वह लार्वा वयस्क लार्वा के रूप में व्यवहार करने लगता है और इस घटना को, इस प्रक्रिया को नियोटेनी कहा जाता है। तो नियोटेनी प्रकृति में प्रजनन, तदुपरांत विकास और मेटामॉर्फोसिस में एक नई घटना को प्रदर्शित करता है। आइए नियोटेनी की परिभाषा हम देखें। नियोटेनी को सामान्य तौर पर इस तरह डिफाइन किया जा सकता है।
वयस्क जंतु द्वारा लार्वा काल के लक्षणों को धारण किए रहना यह नियोटेनी कहलाता है। कोलमैन ने इसे परिभाषित करते हुए कहा था, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स बियॉन्ड द नॉर्मल पीरियड इज कॉल्ड नियोटेनी। और नियोटेनी ये एम्फीबिया वर्ग में पाया जाने वाला एक नवीनतम घटना है। कुछ एम्फीबिया वर्ग के जंतु वयस्क अवस्था में भी लार्वा के लक्षणों को धारण किए हुए होते हैं। उदाहरण के तौर पर ये लार्वल कैरेक्टर्स इस तरह से हैं, इनमें एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए गिल्स उपस्थित होती है, कॉडल फिन यह उपस्थित होता है, मीडियन डॉर्सल फिन उपस्थित होता है, और इनमें जो फोर लिम और हाइंड लिम होते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद होते हैं, ये उपस्थित होते हैं, लेकिन जल में इनका उपयोग कम होने के कारण से ये कमजोर होते हैं। तो ये वो लक्षण हैं जो नियोटेनस फॉर्म में जंतुओं में देखने को मिलते हैं। तो इन लक्षणों को धारण करते हुए वह लैंगिक रूप से परिपक्व होकर प्रजनन आरंभ कर देता है, और इसलिए हम कहते हैं कि लार्वा अवस्था को निर्धारित समय से अधिक समय तक धारण करना और वयस्क के रूप में जनन अंगों का विकास करके प्रजनन करना नियोटेनी कहलाती है। एक शब्द और भी है, यह है पीडोजिनेसिस। आरंभ में नियोटेनी और पीडोजिनेसिस को लगभग एक जैसी घटना के रूप में माना जाता था, अर्थात नियोटेनी की घटना को सामान्यतः पीडोजिनेसिस के समकक्ष माना जाता था, लेकिन पीडोजिनेसिस वास्तविक रूप से नियोटेनी की तुलना में एक भिन्न घटना होती है। पीडोजिनेसिस का अर्थ जो मीनिंग है वो ये है कि लार्वा अवस्था में मेटामॉर्फोसिस के पूर्व ही गोनेट व जनन अंगों का विकास हो जाना, साथ ही लार्वा प्रजनन आरंभ कर देता है और लार्वा वयस्क अवस्था के अन्य लक्षणों को भी समय से पूर्व प्राप्त कर लेता है। यह घटना या यह प्रक्रिया पीडोजिनेसिस कहलाती है। हम नियोटेनी और पीडोजिनेसिस में क्या अंतर है, आइए उसके संदर्भ में देखते हैं। नियोटेनी यह शारीरिक विकास में विलंब तथा गोनेड और प्रजनन अंगों का विकास निरंतर जारी रहने की प्रक्रिया है। अर्थात किसी एनिमल में, किसी एम्फीबियंस में, यदि लार्वा में उसके शरीर का जो विकास होना चाहिए वह विकास धीरे होने लगता है, उसमें विलंब होने लगता है, और इस वजह से जो प्रजनन अंग होते हैं वे अंग समय पर विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण से वह लार्वा जनन अंगों के साथ वयस्क के रूप में व्यवहार करने लगता है, लेकिन वह बाहरी तौर पर लार्वा के रूप में ही प्रदर्शित होता है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, डिलेड विलंब होना, सोमेटिक डेवलपमेंट शारीरिक विकास विथ कॉन्स्टेंट रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, प्रजनन अंगों का विकास सामान्य रूप से जारी रहता है लेकिन शरीर के विकास में विलंब हो जाता है, यह घटना यह प्रक्रिया नियोटेनी कहलाती है। जबकि पीडोजिनेसिस में इसके विपरीत होता है, गोनेट व प्रजनन अंगों का विकास तेजी से होता है तथा शारीरिक विकास स्थिर रहता है, अर्थात एक्सीलरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट विथ कॉन्स्टेंट सोमेटिक डेवलपमेंट। इस चार्ट के माध्यम से हम कंपेयर कर सकते हैं, नियोटेनी में
जो सोमेटिक डेवलपमेंट शारीरिक विकास होता है उसमें विलंब होता है, वो देर से होता है, जबकि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट ये समय पर स्थायी रूप से होता है, उनका विकास जारी रहता है। जबकि पीडोजिनेसिस में शरीर का जो डेवलपमेंट होता है वह सामान्य तौर पर जारी रहता है, लेकिन उनमें प्रजनन अंगों का विकास तेजी से हो जाता है। तो शारीरिक विकास की अपेक्षा प्रजनन अंगों का विकास शरीर में तेजी से हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वो लार्वा अवस्था में रहते हुए लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है ये पीडोजिनेसिस कहलाती है। तो यह अंतर होता है नियोटेनी और पीडोजिनेसिस में। एग्जाम्पल्स ऑफ नियोटेनी, एम्फीबिया के अंतर्गत नियोटेनी प्रदर्शित करने वाले जंतुओं का नाम इस तरह से है, एम्बायस्टोमा, इसका लार्वा एक्सोलॉटल लार्वा कहलाता है, नेक्चुरस, एम्फ्यूमा, साइरन, प्रोटियस, हाइला आर्बोरिया, एलाइटीज, बूफो वल्गेरिस, राना एस्कुलेंटा। और ये जो लार्वा हम देख रहे हैं ये राना एस्कुलेंटा का लार्वा है। तो ये सामान्य से उदाहरण है जो एम्फीबिया में नियोटेनी को प्रदर्शित करते हैं। टाइप्स ऑफ नियोटेनी, नियोटेनी के प्रकार। नियोटेनी मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। पहला टोटल नियोटेनी अर्थात पूर्ण नियोटेनी, दूसरा इंटरमीडिएट नियोटेनी या मध्य नियोटेनी, और तीसरा पार्शियल नियोटेनी या आंशिक नियोटेनी। आइए नियोटेनी के इस प्रकार का उदाहरण सहित हम अध्ययन करते हैं। टोटल नियोटेनी का आशय है कि इस प्रकार के नियोटेनी में लार्वा अवस्था जीवन भर बनी रहती है और मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, और लार्वा अवस्था में रहते हुए लैंगिक रूप से परिपक्व होकर जल में ही प्रजनन आरंभ कर देता है। क्योंकि टोटल नियोटेनी में लार्वा अवस्था जीवन भर बनी रहती है, इसलिए इनमें अलग से वयस्क अवस्था नहीं पाई जाती। तो वयस्क अवस्था नहीं होगी, लार्वल स्टेज, सेक्सुअली मैच्योर ये पाए जाएंगे। और इनके उदाहरण हैं नेक्चुरस, साइरन और प्रोटियस। दूसरे प्रकार का नियोटेनी यह इंटरमीडिएट नियोटेनी कहलाता है। इंटरमीडिएट नियोटेनी में लार्वा अवस्था में रहते हुए लैंगिक रूप से परिपक्व होकर वह प्रजनन करने लगता है, किंतु जब उस लार्वा को अनुकूल और उपयुक्त परिस्थितियां प्राप्त होती हैं तब वह लार्वा मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से गुजरते हुए वयस्क में बदल जाता है। और इसका उदाहरण है एम्बायस्टोमा का एक्सोलॉटल लार्वा। तो इंटरमीडिएट स्टेज में जो लार्वा है ये पानी में रहते हुए सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, और यह लार्वा नियोटेनी को प्रदर्शित करता है। लेकिन जब इस लार्वा को अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर वह मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से गुजरते हुए एडल्ट में बदल जाता है, और एडल्ट में बदल करके वह स्थल या जमीन पर चला जाता है। जबकि टोटल नियोटेनी में जो लार्वा होते हैं ये लार्वा नियोटेनस फॉर्म को प्रदर्शित करते हैं, और इनमें कभी भी मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया नहीं होती, और इसलिए लार्वा ही
लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है और वह एडल्ट के रूप में व्यवहार करते हुए प्रजनन आरंभ कर देता है। तो यहाँ पर टोटल नियोटेनी में कभी भी जो वयस्क अवस्था है, एडल्ट स्टेज है, यह नहीं पाई जाती है। सारी अवस्थाएं नियोटेनस फॉर्म की ही होंगी। आइए तीसरी नियोटेनी को हम देखें। नियोटेनी का तीसरा प्रकार यह पार्शियल नियोटेनी कहलाता है। इसे आंशिक नियोटेनी भी कहते हैं। आंशिक नियोटेनी में लार्वा का जो जीवन काल होता है ये काफ़ी लंबा हो जाता है और मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया लार्वा में कुछ समय के लिए, ध्यान रखेंगे, कुछ समय के लिए स्थगित हो जाता है। और मेटामॉर्फोसिस स्थगित होने के कारण से लार्वा जलीय जीवन जीता है और अनुकूल जलीय वातावरण और परिस्थितियों का वह निरंतर लाभ उठाते रहता है। यह ऐसा इसलिए होता है कि उस अवधि में जमीन का या स्थल का जो तापमान होता है, स्थल की जो परिस्थितियां होती हैं, ये परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं और इस प्रतिकूल परिस्थिति को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। और जब स्थलीय परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं तब वही लार्वा मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से गुजर करके वयस्क में बदल जाते हैं और वयस्क में बदल करके वो जमीन पर चले जाते हैं, स्थल पर चले जाते हैं और स्थलीय जीवन जीने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि कुछ फ्रॉक्स ऐसे हैं जो अपने अंडे पानी पर देते हैं और पानी के अंदर अंडों में क्लीवेज या डेवलपमेंट की प्रक्रिया पूर्ण होती है और उसके उपरांत अंडे से हैच करके टेटपोल लार्वा बाहर निकलता है। और यह लार्वा शरद ऋतु काल में जब स्थल का, जमीन का तापमान जल के तापमान से अधिक रहता है तो वह जलीय वातावरण के अनुकूल होने के कारण से वह पानी में ही रहते हुए लार्वा अवस्था में बना रहता है और इस दरमियान वह जलीय सुविधाओं का या परिस्थितियों का लाभ उठाते रहता है। लेकिन जैसे ही शरद काल या शरद ऋतु समाप्त होती है, स्थल या जमीन का तापमान अनुकूल हो जाता है, यह लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके वयस्क अवस्था में बदल जाते हैं और बदलने के बाद वो जमीन पर चले जाते हैं और जमीनी जीवन जीना आरंभ कर देते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी होगा कि पार्शियल नियोटेनी में जो लार्वल अवस्था है, इस अवस्था में सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, गोनेड और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं डेवलप हो पाते हैं और लार्वा के का जो जीवन काल है ये काफ़ी लंबा हो जाता है। हम कह सकते हैं कि जमीन की प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने आप को बचाने के लिए यह लार्वा जलीय जीवन में लंबे समय तक बना रहता है और जलीय वातावरण का, जलीय परिस्थितियों का लाभ उठाते रहता है। और जब स्थलीय वातावरण अनुकूल हो जाता है तब वह जलीय लार्वा मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से गुजरते हुए वयस्क में बदल जाता है और जमीन पर चला जाता है। इसके उदाहरण हैं हाइला आर्बोरिया, एलाइटिस बूफो, बूफो वल्गेरिस और राना एस्कुलेंटा। तो ये नियोटेनी के तीन प्रमुख प्रकार हैं। अब हम देखें नियोटेनी को प्रभावित करने वाले कारण। आखिर नियोटेनी की प्रक्रिया या घटना क्यों लार्वा अवस्था पर बनी रहती है और किन परिस्थितियों के कारण से लार्वा मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से वंचित हो जाता है या किन अनुकूल परिस्थितियों के कारण से उनमें मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया होती है और वो वयस्क में बदलते हैं। इन फैक्टर्स को दो बिंदुओं पर हम बांट सकते हैं। पहला,
एक्सटर्नल फैक्टर या बाह्य कारक जो शरीर के बाहर की परिस्थितियां होती हैं जो नियोटेनी को प्रभावित करती हैं उन्हें हम एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं। ये फैक्टर इस तरह से हैं। पहला, पानी की उपलब्धता। जलीय आवास में पानी की पर्याप्त मात्रा होने पर लार्वा मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया आरंभ नहीं करता, लेकिन जब उसके आवास में पानी का स्तर घटने लगता है या पानी की कमी होने लगती है तो ऐसी दशा में वह लार्वा मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है और वह लार्वा वयस्क में बदल जाता है। तो इस तरह पानी की उपलब्धता मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। पानी की मात्रा पर्याप्त होगी तो मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया स्थगित रहती है, लेकिन उसके आवास में पानी की कमी होने लगती है या पानी का स्तर आवास में घटने लगता है तब वह लार्वा मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया आरंभ करता है तथा वह वयस्क में बदल जाता है। दूसरा कारण, भोजन। आवास में भोजन की उपलब्धता। जलीय आवास में यदि भोजन प्रचुर मात्रा में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर लार्वा मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करता है, और जब जलीय आवास में भोजन की कमी होने लगती है ऐसी अवस्था में लार्वा मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है और वह लार्वा मेटामॉर्फोसिस के उपरांत वयस्क में बदल जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भोजन की प्रचुरता, भोजन की पर्याप्त उपलब्धता मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को स्थगित रखती है, लेकिन जब भी आवास में भोजन की कमी होने लगती है वह लार्वा मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से गुजर करके वयस्क में बदल जाता है और जलीय आवास को छोड़ करके वह स्थली जीवन पे चला जाता है। तीसरा, ऑक्सीजन। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने पर लार्वा मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया आरंभ नहीं करता है, किंतु जल में ऑक्सीजन की कमी होने पर लार्वा मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया आरंभ कर देता है और वह लार्वा वयस्क में बदल जाता है। तो पानी में ऑक्सीजन की उपलब्धता यह भी एक बाह्य कारक के रूप में होती है जो मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। चौथा कारण हम देखें, तापमान या टेम्परेचर। हक्सले ने 1929 में ये बताया कि तापमान भी मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। उदाहरण के तौर पर हाइला राइनापाइपर्स के जो लार्वा होते हैं ये कम तापमान पर मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। तो जब तापमान कम मिलता है तब हाइला और राइनापाइपर्स के लार्वा मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन कुछ एम्फीबियंस ऐसे हैं, उदाहरण के तौर पर सेलामेंडर की अनेक प्रजातियां अधिक तापमान पर मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। तो कुछ परिस्थितियों में लो टेम्परेचर मेटामॉर्फोसिस के लिए आवश्यक होता है, जबकि कुछ जंतुओं के लिए, कुछ एम्फीबियंस के लिए हाई टेम्परेचर मेटामॉर्फोसिस के लिए आवश्यक होता है। तो इस तरह तापमान भी मेटामॉर्फोसिस को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है। पांचवा, लाइट, प्रकाश। प्रोटियस नेक्चुरस के लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को प्रकाश बाधित करते हैं। तो लाइट की प्रेजेंस में प्रोटियस और नेक्चुरस की लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन जब इन्हें अंधेरे में रखा जाता है तब इनमें मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया देखने को मिलती है। छठवां कारक ये महत्वपूर्ण है, आयोडीन। पानी में आयोडीन की कमी मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को स्थगित कर देता है। तो जल में यदि आयोडीन की कमी है ऐसी अवस्था में वह लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को आरंभ नहीं होने देता, वह उसे स्थगित रखता है।
इसी तरह से सातवां फैक्टर इनऑर्गेनिक साल्ट अकार्बनिक लवण कैल्शियम लिथियम के जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं ये मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं जिसके कारण से लार्वा का जो जीवन काल होता है लार्वल अवस्था होती है वो बढ़ जाती है लंबी हो जाती है। और आठवां कारक है पीएच एसिडिक वाटर अम्लीय जल मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को एक्सेलरेट कर देता है उसे तीव्र कर देता है तेज कर देता है जबकि एल्कलाइन वाटर जो क्षारीय जल होता है वह मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। तो इस तरह हम देखते हैं ये आठ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो नियोटेनी की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। क्योंकि ये बाहरी तौर पर स्थित कारक हैं इसलिए इन्हें एक्सटर्नल फैक्टर या बाह्य कारक कहा जाता है। दूसरा फैक्टर यह इंटरनल फैक्टर होता है जंतु के शरीर के अंदर के कारक जो मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं उन्हें हम इंटरनल फैक्टर कहते हैं। एम्फीबिया लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया शरीर में थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन के स्तर पर निर्भर करती है। पहला शरीर में यदि रक्त में थायरोक्सिन हार्मोन का स्तर उच्च होता है तथा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्तर लो या न्यून होता है तब मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया शीघ्रता से प्रारंभ हो जाती है। लेकिन शरीर में यदि रक्त में थायरोक्सिन हार्मोन का स्तर कम होता है लो होता है तथा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्तर हाई या उच्च होता है तब मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं होती है। इस तरह हम देखते हैं कि थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन जंतु के रक्त में उपस्थित होते हैं और उनकी उपस्थिति और उनका लेवल मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और इसलिए इन्हें इंटरनल फैक्टर्स के रूप में अध्ययन किया जाता है। अब हम देखें कि नियोटेनी की जो प्रक्रिया है वास्तविक रूप से किस तरह से होती है। इसे हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ नियोटेनी। यूरोडेला ये एम्फीबिया के अंतर्गत जो यूरोडेला हैं अर्थात ऐसे एम्फीबियन जिनके वयस्क अवस्था में पूंछ पाई जाती है उन्हें यूरोडेला के अंतर्गत रखा गया है। तो यूरोडेला के ब्रेन में मस्तिष्क में पाया जाने वाला सिक्रेटरी न्यूरॉन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिसके फलस्वरूप टीएसएच थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव होता है। और यह जो हार्मोन है वह थायराइड ग्लैंड की कोशिकाओं को स्टिमुलेट करता है जिसके फलस्वरूप थायराइड ग्लैंड की कोशिकाओं से T4 का सिक्रीशन होता है स्राव होता है। T4 में न्यूक्लियर रिसेप्टर ध्यान देंगे T4 में न्यूक्लियर रिसेप्टर न होने के कारण उसे डीआयोडिनेज एंजाइम के द्वारा जिसे हम कहते हैं डीआयोडिनेशन प्रोसेस इसके द्वारा T3 में बदल दिया जाता है और T3 को ट्राईआयोडोथायरोनिन कहा जाता है। तो T4 यह बदल जाता है T3 में और इस प्रक्रिया को हम डीआयोडिनेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये जो T3 है यह उसके न्यूक्लियस में प्रवेश करके टारगेट जीन को सक्रिय कर देता है जिसके फलस्वरूप मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यह एक स्वाभाविक तौर पर होने वाली प्रक्रिया है लेकिन नियोटेनी के केस में हम देखते हैं कि नियोटेनी प्रदर्शित करने वाले यूरोडेला के जंतुओं में जो डीआयोडिनेज एंजाइम न होने के कारण डीआयोडिनाइजेशन की जो प्रोसेस है यह नहीं हो पाती है जिसके फलस्वरूप T4 T3 में नहीं बदल पाता है और T3 का निर्माण
नहीं होता है, और जब T3 का निर्माण नहीं होगा तो उसके कारण से आगामी जो समस्त प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश करना और टारगेट जीन को एक्टिवेट करना, ये सारी प्रक्रियाएं स्थगित हो जाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं, जिसके फलस्वरूप मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। ये एक मैकेनिज्म है नियोटेनी का। नियोटेनी की इस प्रक्रिया को हम चित्र के माध्यम से इस तरह देख सकते हैं। ये यूरोडेल का ब्रेन है और इस ब्रेन में सेक्रेटरी न्यूरॉन्स के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट से TSH हार्मोन का सिक्रीशन होता है, और ये हार्मोन पहुंचती है थायराइड ग्लैंड में, उनके ग्लैंड सेल्स में, और ग्लैंड सेल्स में पहुंचने के बाद चूंकि इनमें रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, इसलिए जो T4 हैं, ये T4 डीआयोडीनेज एंजाइम के द्वारा डीआयोडीनेशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप यह जो T4 है ये T3 में बदल जाता है। T3 को ट्राई आयोडीन थायरोनिन कहा जाता है। यह T3 न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद जीन को एक्टिवेट करता है, जो टारगेट जीन है मेटामॉर्फोसिस के लिए, जो टारगेट जीन है उसे सक्रिय कर देता है, और सक्रिय करने के कारण से मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु नियोटेनी के केस में जो TSH रिलीज हो रही है, यह थायराइड ग्लैंड सेल के अंदर प्रवेश तो कर रही है, T4 का भी निर्माण यहां पर हो रहा है, लेकिन डीआयोडीनेज एंजाइम न होने के कारण से डीआयोडीनेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। फलस्वरूप यह T4 T3 में चेंज नहीं हो पाता है, तो T4 से ट्राई आयोडीन थायरोनिन नहीं बन पाता है, और जब T3 नहीं बनेगा तो आगे की समस्त प्रक्रियाएं, न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश करने की प्रक्रिया, टारगेट जीन को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रिया स्थगित हो जाती हैं, रुक जाती हैं, जिसके फलस्वरूप मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया आरंभ नहीं होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश करने के लिए T4 को T3 में बदलना आवश्यक है। यदि T3 में बदलेगा तभी यह न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश कर पाएगा, और न्यूक्लियस में प्रवेश करने के बाद ही यह टारगेट जीन को सक्रिय करके मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। लेकिन T3 न बनने के कारण से इन एम्फीबियंस में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया या तो स्थगित रह जाती है या हमेशा के लिए असफल हो जाती है। तो यह है कॉज ऑफ नियोटेनी। दिस इज नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ मेटामॉर्फोसिस, और यह है कॉज ऑफ नियोटेनी। कुछ नियोटेनस एम्फीबियंस के उदाहरण का हम अध्ययन करते हैं। एम्फीबियंस को दो ऑर्डर में बांटा गया है। पहला ऑर्डर ये यूरोडेला कहलाता है। यूरो का मतलब होता है पूंछ। ऐसे एम्फीबियन जिनकी वयस्क अवस्था में, एडल्ट स्टेज में पूंछ पाई जाती हैं, उन्हें यूरोडेला के अंतर्गत रखा गया है। इस यूरोडेला में उदाहरण इस तरह से हैं। पहला एम्बायस्टोमा टिग्रिनम, इसे टाइगर सेलामेंडर भी कहा जाता है। यह अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्रों में जो जलाशय इत्यादि हैं उनमें पाए जाते हैं। तो मैक्सिको के जलाशयों में यह एम्बायस्टोमा टिग्रिनम पाया जाता है। एम्बायस्टोमा टिग्रिनम का लार्वा एक्सोलॉटल लार्वा कहलाता है, जो सामान्य परिस्थितियों में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया के उपरांत वयस्क में बदल करके स्थल में चला जाता है और प्रजनन आरंभ कर देता है। किंतु कभी कभी उसके लार्वा के जलीय आवास में पानी के तापमान में कमी और पानी में आयोडीन की कमी उस एक्सोलॉटल लार्वा को मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से
प्रभावित कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया या तो स्थगित हो जाती है या यह प्रक्रिया पूरी तरह से असफल हो जाती है और जल में ही रहते हुए वह एक्सोलोटल लार्वा सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है और जल में ही प्रजनन करने लगता है। इस तरह यह एक्सोलोटल लार्वा नियोटेनी को प्रदर्शित करता है। दूसरा उदाहरण टिफ्लोमोल्ज। ये जो टिफ्लोमोल्ज है यह टेक्सास के डार्क केव में अंधेरी गुफाओं में पाए जाने वाला फुल्ली नियोटेनिक एम्फीबियन है। फुल्ली नियोटेनिक का आशय यह है कि ये जीवन भर नियोटेनस फॉर्म पे ही रहते हैं, इनमें एडल्ट फॉर्म या दूसरी अवस्था नहीं पाई जाती है। तो लार्वा ही एडल्ट होकर के गोनेट को डेवलपमेंट करके वह सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। तीसरा उदाहरण नेक्चुरस, जिसे मड पपी कहा जाता है, प्रोटियस, केव सेलामेंडर कहा जाता है, ये भी परमानेंट नियोटेनिक एम्फीबियंस हैं, अर्थात इनके जो लार्वा होते हैं वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं और इनमें अलग से वयस्क अवस्था नहीं पाई जाती है। चौथा उदाहरण सायरन, यह मड ईल कहलाता है। यह सायरन जल और कीचड़ में रहने वाला परमानेंट नियोटेनिक एम्फीबियंस है, जिनमें केवल फोर लिंब पाए जाते हैं, अगले पैर पाए जाते हैं, और इनमें जो हाइंड लिंब या पिछले पैर होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं। पांचवा उदाहरण एम्फ्यूमा, यह कांगो ईल कहलाता है। दूसरा क्रिप्टोब्रैंकस, इसे हेल बेंडर कहा जाता है, ये भी टिपिकल नियोटेनिक एम्फीबियंस होते हैं। दूसरा ऑर्डर है एन्यूरा। एम्फीबिया के इस ऑर्डर में आने वाले जंतुओं के वयस्क अवस्था में पूंछ नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें ए न्यूरा के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत फ्रॉग्स आते हैं। तो कौन से फ्रॉग हैं जो नियोटेनी अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, वो इस तरह से हैं, हाइला आर्बोरिया, एलाइटिस, बूफो वल्गेरिस और राना एस्कुलेंटा। इनके जो टेटपोल लार्वा होते हैं ये जल में पाए जाते हैं और ये पार्शियल नियोटेनी प्रदर्शित करते हैं। पार्शियल नियोटेनी का आशय हमने आपको बताया था कि यह लार्वा जल में रहते हुए जलीय अनुकूल वातावरण का लाभ उठाते रहता है और तब तक उठाते रहता है जब तक जमीन में वातावरण अनुकूल न हो जाए, और जमीनी वातावरण अनुकूल होने की प्रतीक्षा में इनका जो लार्वल पीरियड होता है ये लंबा हो जाता है, और जैसे ही स्थलीय जीवन या स्थलीय वातावरण जीवन के लिए अनुकूल होता है ये पानी से निकल करके मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से गुजर करके ये वयस्क में बदल जाते हैं, फ्रॉग में बदल जाते हैं और स्थलीय जीवन जीने लगते हैं। तो इस घटना को हम कहते हैं पार्शियल नियोटेनी। तो ये पार्शियल नियोटेनी के उदाहरण हैं। कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं। नियोटेनी लार्वा के विकास की एक असामान्य स्थिति है जो एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं में विशेष तौर पर देखने को मिलती है। नियोटेनी पर वैज्ञानिकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। पहला, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार नियोटेनी आवासीय वातावरण में अनुकूलता के कारण से होता है। लार्वा जलीय जीवन में अनुकूलताओं के कारण से मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से नहीं गुजरता और इस तरह वह गोनेड और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करके प्रजनन आरंभ कर देता है और नियोटेनी अवस्था पर बन जाता है। दूसरा, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार लार्वा के चारों ओर का वातावरण किसी न किसी प्रकार से लार्वा को वयस्क में बदलने से रोकता है। विजमैन 1875 में इन्होंने कहा कि नियोटेनी की घटना पूर्वज कंडीशन का उलटना है, अर्थात विकास या इवोल्यूशन के दरमियान
यह जंतु अपने पूर्वजों से जिन अवस्थाओं से होकर के विकसित हुआ है वह उन्हीं अवस्थाओं की पुनरावृत्ति करता है और इसे ही कहते हैं पूर्वज कंडीशन का उलटना, उन लक्षणों का फिर से आ जाना। चौथा, लार्वा अवस्था में पाए जाने वाले प्रत्येक लक्षण पूर्वजों के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। और डी बियर ने नियोटेनी के विकास को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि नियोटेनी विकास की एक सामान्य घटना को दर्शाता है। क्वेश्चन अवर, नियोटेनी से परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह से हैं। व्हाट इज नियोटेनी, नेम द टाइप्स ऑफ नियोटेनी इन एम्फीबिया विथ एग्जांपल्स। सेकंड, राइट नोट ऑन एक्सोलोटल लार्वा। थर्ड, राइट नोट ऑन फैक्टर्स फॉर नियोटेनी। एंड लास्ट, राइट एन एसे ऑन नियोटेनी इन एम्फीबिया। रेफरेंसेस जिनसे हमने ये मटेरियल लिया है इस तरह से हैं।